नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 सितंबर 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2022 की अपडेट को देखेंगे और बात करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में भी। जी हाँ दोस्त, एक और बड़ी बात देखेंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था, ओबीसी और एससी कैटेगरी छात्रों के साथ मतलब बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था, ठीक है? तो इसमें सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला था, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे, आरोप झूठे थे, ओएमआर सीट सच निकली। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे आज इस वीडियो में। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बात और समझ में आ जाएगी, जब अभी आप इस साल यूपी टेट या सी टेट का पेपर देने जाएंगे, ठीक है, तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है और लास्ट में शिक्षक भर्ती में आप कौन सी गलती नहीं करेंगे। कभी कभी एक छोटी सी गलती आपको हीरो से जीरो बना सकती है। एक बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, एक पुरुष अभ्यर्थी था, पहले 124 अंक मिले थे, अब शून्य कैसे हो सकता है? तो सचिव जी ने कहा, आपने प्रश्न पुस्तिका दूसरे सीरीज की हल की है और ओएमआर सीट पर दूसरे सीरीज के संकेतांक को काला किया है, यह अवैध है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो मतलब एक छोटी सी गलती से आपका कैरियर खराब हो सकता है, मतलब आपकी नौकरी आपके हाथ से जा सकती है। सोचिए, 150 नंबर में 124 नंबर अगर आप सुपर टेट में लाते हैं तो लगभग लगभग आपके 99% चांस है कि आपकी नौकरी कंफर्म है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी गलती करेंगे तो सोचिए, नौकरी भी गई, रिजल्ट भी फेल हो गया, 0 नंबर आ गया। सोचिए कि आप हीरो से जीरो बन सकते हैं एक छोटी सी गलती से। उसके बाद आप इस अपडेट को देखिए, प्रसदी स्कूलों में शिक्षकों के 63,000 पद खाली हैं, मतलब आज नहीं तो कल ये वैकेंसी आना कंफर्म है, तो तैयारी रखिए पूरी। उसके बाद देख सकते हैं, हमारे देश में कोरोना केसेस की बात करें तो 24 घंटे में 2,814 कोरोना के नए मामले सामने आए, ठीक है। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। छोटी खबर हो, बड़ी खबर हो, हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए, एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को हम इस वीडियो में देखते हैं। बात करेंगे पहले यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट आवेदन की क्या अपडेट है। फिलहाल आपको बता दें, स्क्रूटनी के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है। क्या हो गई? समाप्त, ठीक है। तो जो बच्चे स्क्रूटनी में आवेदन कर चुके हैं, अब उसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही इसका रिजल्ट आएगा। तकरीबन 1 महीने का समय आपको और देना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। फेल छात्रों के लिए जो भी बड़ी खबर होगी उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपके घर में अगर बीएड के लिए कोई काउंसलिंग कराना चाहता है तो बता दीजिएगा, 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट थी कि कहीं बगैर पद किया गया चयन, कहीं नियुक्ति से इनकार किया गया, जानिए आखिर पूरा क्या है मामला। तो गाइस, इस वीडियो में ढेर सारी अपडेट है आप लोगों के लिए। तो पहले हम आरक्षण घोटाले पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनको आरक्षण का फायदा लेना है। जी हाँ, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से डीएलएड में एडमिशन लेते, बीएड करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो आपकी भैया सीटें, ठीक है, घोटाले में चली जाती हैं, आपको नहीं मिल पाती, किसी और को उसका फायदा दे दिया जाता है। अपडेट को जरा देखिए, प्रयागराज से अपडेट है, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आरक्षित वर्ग ओबीसी व एससी के अभ्यर्थियों ने आजाद पार्क में हाईकोर्ट में होने वाली आरक्षण घोटाले की सुनवाई को लेकर चर्चा की है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस भर्ती में 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला करके उन अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जिन्हें बाहर होना चाहिए था। कितने पदों की दोस्तों बात हो रही है? 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला। आपको बताना चाहेंगे, इसी वैकेंसी में सरकार ने खुद ही 6,800 सीटों पर एक नई चयन सूची को जारी किया गया, ठीक है, नई चयन सूची आ चुकी है। अब सोचिए, 19,000 अगर पदों पर घोटाला हुआ है तब तो ये बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। मामला कोर्ट में जाएगा, वहां सुनवाई होगी, वहां पर एक एक सीट का देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा ओबीसी का है, कौन सा बच्चा जनरल का है, ठीक है। तो उसके बाद इस अपडेट को जरा देखते हैं, आरोप झूठे सच्चे वाली बात। जी हाँ, देखिए आपसे गलती क्या होती है हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, काफी बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जैसे मान लें, चार ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है और डी है। आपको पता था कि आंसर होगा ए, लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी डी में थोड़ा सा बबल हो गया, लेकिन आपको फिर पता चला नहीं यार ए वाला आंसर सही है, तो ए को आपने ठीक से बढ़िया से इसको बबल कर दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों होता क्या, कभी कभी इतना छोटा सा बबल किया ना, इसी वजह से ये पूरा क्वेश्चन को क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आपका चेक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों ने गलती की थी जूनियर शिक्षक भर्ती में, आप देख सकते हैं। देखिए जरा इस अपडेट को,
एक महिला अभ्यर्थी कहती है, ये देखिए मेरी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, पहले हमें 134 अंक मिले थे, अब 117 कैसे हो गए? तो सचिव जी कहते हैं, देखिए अपने मूल ओएमआर सीट, कई प्रश्नों के उत्तर में आप एक गोले को पूरा काला किया और दूसरे को अधूरा, इस कारण इसके अंक नहीं मिले। जी हाँ दोस्त, यही गलती होती है, एक को आप तो सही काला कर देंगे जो सही होगा, तो मतलब अगर कॉपी रीचेक ना होती तो यही नंबर रहता भी इन बच्चों का, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब दोबारा से कॉपी को चेक किया गया तो काफी बच्चों के नंबर इस बार कम हो गए। ठीक है, तो ये सब मामला है। तो देखिए वैकेंसी की अपडेट क्या है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधानसभा में विधायक प्रसन्न कुमार और मनोज कुमार पारस के एक सवाल के जवाब में बताया कि प्रतिदिन स्कूलों में करीब 63,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इनमें ग्रामीण स्कूलों में 51,112 और शहरी स्कूलों में 12,149 पद खाली हैं। प्रतिदिन स्कूलों में शिक्षकों के 5,80,084 पद सृजित हैं, प्रदेश में अनुदेशक व शिक्षा मित्र समेत कुल 6,28,915 शिक्षक कार्यरत हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़ी खबर, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना केसेस की बात। एक बात और वीडियो के अंदर आपको बताते चले, अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि भैया ऑफलाइन में ये सब दिक्कतें आती हैं तो क्या जो ऑनलाइन पेपर होता है वही बेस्ट है? जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना तो 100% ऑनलाइन बेस्ट पेपर होता है। उसका रीजन हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन में आप एक समय में एक ही विकल्प को बबल कर सकते हैं, या तो डी को टिक करेंगे या तो ए को करेंगे। जब आपको पहले डी को किया है लेकिन आपको बाद में पता चला नहीं यार ए वाला आंसर सही होगा, तो आप इसको बदल सकते हैं, तो ये फायदा आपको ऑनलाइन में ही मिलता है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ऑनलाइन एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। तो कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, वैसे कोई भी देखिए खबर आपसे नहीं छूटेगी, लेकिन हर एक जानकारी आप तक होनी चाहिए कि क्या क्या आजकल बदलाव हो रहे हैं, कैसे कैसे नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, हर एक जानकारी आप तक होती है तो बेहतर होता है। तो आपने देख लिया परिषदीय स्कूल की बातें, ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो आरोप झूठे थे ये सब बात थी, लेकिन सचिव जी की एक अच्छी बात थी, उन्होंने भैया बच्चों को बुला बुला कर दिखाया उनके ओएमआर सीट कि आपने गलती कहाँ पर की है, छोटी छोटी मिस्टेक्स को भी यहाँ पर देखा नहीं गया। ठीक है, गलती क्या, नंबर काट लिए गए, लेकिन आपको बताते हैं बच्चे एक एक नंबर के लिए क्यों परेशान हो जाते हैं, तो एक एक नंबर से नौकरी या तो मिल जाएगी या तो आप नौकरी की रेस से बाहर हो जाएंगे। बच्चों को पता है कि यार एक नंबर की वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग डीएलएड या बीएड कोर्स करते हैं उस समय आप एक एक नंबर को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो बाकी जो भी दोस्तों अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, और पीएनपी के हर एक अपडेट को हम आप तक पहुँचाएंगे। रिजल्ट के लिए आपको वेबसाइट पता, सिर्फ dlredresult.com वेबसाइट का नाम याद रखिएगा और चेक करते रहिए। ठीक है, तो बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे यूपी टेट सी टेट को लेकर, अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। बात रही आवेदन को लेकर, तो आवेदन दोस्तों उम्मीद है कि अक्टूबर में शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दिसंबर में पेपर होना है तो पहले से आवेदन होगा, उसके बाद एडमिट कार्ड का प्रोसेस, सेंटर लिस्ट बनाई जाती है, मतलब एक लंबा प्रोसेस होता है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।